अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 134, इतनी मासूमियत। लैला की बंद आंखों में अब आंसू छिलमिलाने लगे थे। ये पहली बार तो नहीं था कि किसी मर्द की छुअन मिली थी उसे, फिर आज उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था? तभी बंद आंखों की स्क्रीन पर जैसे लैला को कोई साया सा नजर आया। उसके मन ने जैसे उसे पुकार कर कहा, जब तुमने वो गलियां छोड़ दी लैला, तो अब तुम्हें उन एहसास से भी पीछा छुड़ाकर आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना अगर इन एहसास की जड़ें गहरे मन को जकड़ लेंगी ना, तब तुम्हें और दर्द झेलना पड़ेगा। तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तभी तुम अपनी आगे की जिंदगी चैन से जी सकोगी। मन की इस आवाज पर उसने एकदम से हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर टकटकी लगाए हुए सुजोय ने जब उसे ऐसे चौंक कर आंखें खोलते हुए देखा तो बोला, क्या हुआ? लेकिन लैला ने फौरन खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, वो ऑइंटमेंट। लैला को और कुछ नहीं सूझा तो उसने बस यही कह दिया। तब सुजोय ने नजरें झुकाए हुए कहा, तुम अपनी आंखें खोले रख सकती हो। कहकर उसने अपनी उंगलियों पर ऑइंटमेंट निकाला और इशारे से उसे जख्मों के पास से स्कर्ट हटाने के लिए कहा। लैला आंखों ही आंखों में उसे हैरत से देखे जा रही थी। वो चाहता तो खुद से भी उसकी स्कर्ट ऊपर कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये सोचते हुए लैला ने धीरे से जख्मों के ऊपर से स्कर्ट समेट लिया और उसे अपने घुटनों के गिर्द लपेट लिया। सुजोय ने एकदम हल्के हाथों से उसके सभी जख्मों पर ऑइंटमेंट लेप दिया और नजरें झुकाए हुए उठकर बाथरूम में हाथ धोने चला गया। लैला को उसे इस तरह देखकर न जाने क्यों बेहद हैरानी हो रही थी। उसने लैला के सारे जख्मों को छुआ था, लेकिन उसकी छुअन किसी मर्द की छुअन जैसी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी उंगलियों की छुअन सिर्फ मरहम का एहसास दे रही थी। उसे एक पल को भी यह महसूस नहीं हुआ कि उन उंगलियों ने उसे किसी लड़की का पैर समझकर उसे छुआ हो। ऑइंटमेंट की ठंडक से लैला को काफी आराम महसूस हो रहा था। उसने बेड के सिरहाने तकिया रखा और उस पर सिर टिकाकर सुजोय के बाहर आने का इंतजार करने लगी, लेकिन इस इंतजार में उसे एक बार फिर कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुजोय जब फ्रेश होकर बाहर आया तो उसे इस तरह सोता हुआ देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। ऐसे अचानक से आंख लग जाने की वजह से लैला की गर्दन एक तरफ को लुढ़क सी गई थी और वो ऐसे सोते हुए बिल्कुल किसी बच्चे की तरह मासूम लग रही थी। उसने धीरे से आगे बढ़कर पिलो थोड़ा नीचे शिफ्ट किया और उसकी गर्दन संभाल कर नीचे तकिए पर रख दिया। लैला दवाओं के असर में एक बार फिर गहरी नींद में सो चुकी थी। सुजोय वहीं उसके सिरहाने नीचे कारपेट पर बैठ गया और उसे निहारने लगा। कोई इतना मासूम हो सकता है क्या? और ये तो कोई फरिश्ता जैसी है भी। कैसे हर बार अचानक से हमारी जिंदगी में आकर किसी मसीहा की तरह परेशानियों के सारे बादल खुद में समेट लेती है। इस वक्त उसे शुरू से लेकर अब तक की वो सारी बातें, वो सारे मौके याद आ रहे थे जब लैला ने हर मोड़ पर, हर मुसीबत के वक्त बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद ये सब सोचते हुए उसकी आंखें भी जल्द ही बंद हो गई थी। लतिका जी और पाहुजा साहब जब घर पहुंचे तो लतिका जी काफी नशे में थी, जबकि पाहुजा साहब को एक के बाद एक करके सबकी याद आ रही थी। लैला के एक्सीडेंट के बारे में उन्हें बहुत बाद में पता चला था और अब सुजोय भी लापता था। एक वही तो था जो उन्हें लैला के बारे में अपडेट दे सकता था, लेकिन उन्हें वहीं से पता चला कि सुजोय ही उसे उसके फ्लैट पर पहुंचाने गया है। अब उनकी मजबूरी थी कि वो सुजोय का इंतजार करते, क्योंकि लतिका जी से तो अभी कुछ भी पूछना अपनी मुसीबत बुलाने के बराबर था। बस उन्होंने जाते जाते मेट से कहा, सुजोय चाहे जितने भी बजे लौटे उसे मुझसे मिलने बोलना, मैं सो भी जाऊं तो जगा कर ही सही, लेकिन मुझसे बात करने कहना उसे, जरूरी है। मेट हामी भरती हुई वहां से चली गई थी।
लेकिन अपने कमरे में जाते हुए लतिका जी ने उनकी बात सुन ली थी और यहीं पर सब कुछ बिगड़ गया। पाहुजा साहब जैसे ही कमरे में आए, लतिका जी ने अपनी साड़ी का पिन खोलते हुए कहा, वो आज नहीं आएगा और लिख कर ले लो। जिस तरह आपकी बेटी भाग गई ना, उस तरह ये बेटा भी अब हाथ नहीं आने वाला। पाहुजा साहब ने उन्हें घूरते हुए देखा और बोले, तुमने आज बेहद पी रखी है लतिका, हम कल बात करते हैं। ये सुनते ही लतिका जी ने एक जोरदार ठहाका लगाया और बोली, अब बात करने के लिए रह क्या गया है। वैसे इसमें गलती सुहाना या सुजोय की नहीं है, उन्हें तो ये सब उनके खून से ही विरासत में मिला है। साफ सुथरी जिंदगी छोड़कर गंदगी की तरफ भागना, कि उन्होंने तुम्ही से तो सीखा है। पाहुजा साहब के लिए अब लतिका जी की बातें सहन करने लायक नहीं थी। उन्होंने एकदम से कुछ ऊंची आवाज में कहा, बस लतिका बस, तुमने ड्रिंक कर रखी है इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। लतिका जी पर मगर उनके चिल्लाने का रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने उसी तरह आग उगलती नजरों से पाहुजा साहब को देखते हुए कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है अजीत, मेरे नशे में होने ना होने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। मैं आज भले ही आपको नशे में लग रही होंगी, लेकिन आज मेरी बात आप लिख कर रख लो। अब आपका बेटा भी आपके नक्शे कदम पर चल निकला है और अब उन राहों से उसका वापस लौटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। कहकर लतिका जी चेंज करने बाथरूम में चली गई, जबकि पीछे खड़े पाहुजा साहब के मन में अब कुछ और ही चल रहा था। क्या वाकई लतिका को जो महसूस हो रहा है वो वाकई में होने वाला है? और फिर वो देर तक इसके बारे में सोचते रह गए। नरेन सुहाना को लिए उसके या अपने घर जाने की बजाय जुहू बीच पर चला आया था। जुहू के इस एरिया में जैसे कभी रात होती ही नहीं थी। रात के इस पहर भी काफी सारे लोग इकट्ठा थे। गीले रेत पर हाथ में हाथ डाले नरेन के साथ टहलती सुहाना ने अपना सिर उसके कंधे से टिका रखा था। समंदर के पानी में पड़ रही रोशनियों का अक्स एक अजीब सा मंजर पैदा कर रहा था। सुहाना ने उसके कंधे से लगे हुए ही धीरे से कहा, पता है इस शहर की सबसे खास बात क्या लगती है? क्या? नरेन ने प्यार से पूछा। यहाँ तुम दिल से तन्हा रहो या भरे हुए, यहाँ की रंगीनियां तुम्हारे सारे गम अपने में गुम कर लेती है। ये तो है, नरेन ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। तब सुहाना ने कहा, चलो थोड़ी देर उधर बैठते हैं। दोनों वहीं पास में ही एक खामोश कोना देखकर बैठ गए। सुहाना अपने पैर फैलाए बैठी थी। नरेन ने उसके पैरों पर अपना सिर रखकर लेटते हुए कहा, जब सुजोय सर ने मुझे काट दिया ना, तो मैंने बस यही सोचकर वहां आने का फैसला कर लिया कि तुमसे अपने सवालों का जवाब लूंगा और फिर तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। ये सुनते ही सुहाना ने एक जोरदार ठहाका लगाया और बोली, और अब देखो मेरे ही पैरों पर लेटे आराम फरमा रहे हो। उसे हंसता देखकर नरेन के होठों पर भी मुस्कुराहट सी बिखर गई थी। लहरों पर थिरकती दिवाली की रोशनी और पटाखों का अक्स अब सुहाना के चेहरे पर भी नुमाया था, लेकिन उन पटाखों की रोशनी में उसे बरबस लैला का ध्यान आ गया। उसने कुछ मायूसी भरे लहजे में कहा, मुझे लैला के लिए बुरा लग रहा है नरेन, हमारे चक्कर में उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मेरा दिल चाह रहा था कि मुझे इस वक्त उसके साथ रहना चाहिए था। तब नरेन ने उसे समझाते हुए कहा, सुजोय सर है उनके साथ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, तुम उसकी फिक्र मत करो। अपनी आंखों से देखा था ना तुमने, अगर उसे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होती तो क्या वो खुद से चलकर कार तक भी जा पाती? उसने कहा तो सुहाना को भी महसूस हुआ कि वो ठीक ही तो कह रहा था। उस पर भाई उसके साथ है तो सारी फिक्र तो यूं ही खत्म हो जाती है। उसे सोच में डूबा हुआ देखकर नरेन ने उसका हाथ अपने हाथ में थामते हुए कहा, यूं भी आज जब हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं तो कम से कम आज तो हमें दूसरों की फिक्र छोड़कर अपने बारे में बात करनी चाहिए ना। और वैसे भी मुझे आज दिवाली के इस खूबसूरत मौके पर तुमसे एक वादा लेना है। कैसा वादा?
सुहाना ने कुछ चौंकते हुए पूछा। तब नरेन ने धीरे से उसकी हथेली पर अपने होठों को लगाते हुए कहा, चाहे हमारी आइंदा जिंदगी में। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कोई भी परेशानी क्यों ना आए, हम एक दूसरे से बात किए बिना मन में कोई भी फैसला नहीं लेंगे, ना किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। सुहाना ने हल्की सी स्माइल देते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पिछले कुछ दिनों में मेरी बेवकूफी की वजह से हम दोनों को जितना मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ा है, अब उसके बाद तो ये बेहद जरूरी हो गया है। दोनों ने न जाने कितनी ही देर यूं ही एक दूसरे की आंखों में देखते हुए गुजार दिए। आसमान पर रह रहकर चमक रहे रंग बिरंगी रोशनी वाले पटाखों ने तो जैसे उन दोनों के रिश्ते में एक नए सिरे से रंग भर दिया था। सुबह जब लैला की आंखें खुली तो मारिया पहले से ही मौजूद थी। उसे मारिया को देखते ही सबसे पहला ख्याल सुजॉय का ही आया। अभी वो कुछ और सोचती उससे पहले ही उसकी नजर मारिया पर पड़ी। वो कमरे की चीजें सही कर रही थी। जैसे ही उसकी नजर लैला पर पड़ी उसने फौरन उसके पास आते हुए कहा, लैला मैम उठ गई आप? मुझे तो जैसे सुजॉय साहब ने बताया तब से मैं उस घड़ी को कोस रही हूँ कि मैंने कल घर जाने का सोचा ही क्यों था। लैला की हालत देखकर उसकी आवाज में रुआंसापन था। लैला ने धीरे से उठने की कोशिश करते हुए कहा, होने को तो होकर रहना था मारिया, इसमें आपको गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। कहकर उसने उठना चाहा था लेकिन पैरों में दर्द अब भी बाकी था, इसीलिए वो उस तरह से मूव नहीं कर पाई। मारिया ने जैसे ही ये देखा एकदम से उसे सहारा दिया और उसे उठाकर बिठाते हुए बोली, फिर भी मुझे तो ये सोच सोच कर अभी भी बुरा लग रहा है कि जब आपको मेरी जरूरत थी मैं तब आपके पास अवेलेबल ही नहीं थी। लैला को मारिया का ऐसे अफसोस करना तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इस वक्त वो बस उससे जल्दी से सुजॉय के बारे में पूछना चाहती थी, इसीलिए उसने जल्दी से बात पलटते हुए कहा, ओ कम ऑन मारिया, इतने भी जख्म नहीं लगे जितना आप अफसोस किए जा रही हो। फिर उसने कुछ ठहरते हुए कहा, आप आई तो सुजॉय साहब यहाँ थे? तब मारिया ने कहा, हाँ मैं आई तो उन्होंने मुझे सारी बातें बताकर आपकी दवाई वगैरह के बारे में समझाया और आपका ध्यान रखने के लिए कहकर चले गए। लैला ने कुछ सोचते हुए ओके कहा। तभी मारिया बालकनी में रखे गए दिए समेटने गई तो लैला ने उसे पुकार कर कहा, दिए अभी मत हटाइएगा मारिया, मुझे दिवाली के कुछ दिनों बाद तक भी दिए और रोशनी वाली सजावटें अच्छी लगती हैं। फिर उसने मन ही मन खुद से कहा, कम से कम इन रोशनियों को कुछ दिनों तक अपने आसपास देखकर ही सही, मन के अंधेरों का एहसास कुछ तो कम होगा। तभी उसकी बातें सुनकर मारिया मुस्कुराती हुई वापस कमरे में आई और कहा, अच्छा नहीं हटाती, अब आप जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं नाश्ता रेडी कर देती हूँ। वैसे पता है कल हमारी कॉलोनी से बहुत लोग आपकी फिल्म देखने गए थे, सबने इतनी तारीफ की ना आप दोनों की जोड़ी की, मैंने तो अपने हस्बैंड को कह दिया कि हम लोग भी जरूर जाएंगे मूवी देखने। लैला ने मुस्कुराते हुए मारिया को देखा और बोली, कल शाम के हादसे के बाद से अब तक मैं तो ये भूल ही चुकी थी कि कल मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई है। और दोनों ही इस पर मुस्कुराने लगी थी। कुछ देर में फ्रेश होकर नाश्ता करने के बाद मारिया भी लैला के बालों में कंघी कर ही रही थी कि तभी डोरबेल बज उठी। मैं देखती हूँ, कहकर मारिया ने दरवाजा खोला तो सामने नरेन और सुहाना मौजूद थे। मारिया ने उन्हें हॉल में बैठने के लिए कहा और खुद लैला को बताने चली गई। लैला ने जब उन दोनों के आने का सुना तो मारिया से बोली, उन्हें अंदर ही बुला लीजिए मारिया, मैं ज्यादा देर तक चेयर पर तो बैठ नहीं पाऊंगी। तब मारिया उन्हें हॉल से लेकर कमरे में चली आई। सुहाना तो एकदम से बेचैन होकर लैला के पास ही बेड पर बैठ गई, जबकि नरेन वहीं पास ही लगी चेयर पर जा बैठा। सुहाना ने बेचैनी से उसके पैरों की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ सॉरी बोलने आई हूँ लैला, हमारी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। उसे इस तरह अफसोस करते हुए देखकर लैला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जिसे देखो वही इसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराए जा रहा है, जबकि वो सिर्फ एक हादसा था जो मेरी लापरवाही की वजह से हुआ था, और वैसे भी भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सारे जख्म उभरी हैं।
कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। तो बजाय दुखी होने के हमें इस बात की खैर नहीं मनानी चाहिए कि बर्न ज्यादा सिवियर नहीं है। तब सुहाना ने हामी भरते हुए कहा, हाँ वाकई सबसे राहत की बात तो यही है। मैं तो वहीं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाने वाली थी, लेकिन जब मैंने भाई को तुम्हें ले जाते हुए देखा तो फिर मुझे तसल्ली हो गई कि वो तुम्हारी देखभाल मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। दूसरे कहीं हम लोग अगर फिर से माँ की नजरों में आ जाते तो जो मुसीबत तुम टाल ले गई थी वो फिर से सामने आ जाती। बस यही सोचकर मैं तुम्हारे पीछे नहीं आई। लैला और सुहाना एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जबकि नरेन एक टक बस लैला को देखे ही जा रहा था। अभी लैला के चेहरे पर एक जरा सा भी मेकअप नहीं था और अपने सादा रूप में वो नरेन को कुछ ज्यादा ही जानी पहचानी सी लग रही थी। वो लैला को देख ही रहा था कि तभी लैला की नजर भी उस पर पड़ी। नरेन की नजरों में कुछ तो ऐसा था जिसे महसूस करके लैला का दिल थक से रह गया। तभी सुहाना ने किसी बात के लिए नरेन से पूछा, है ना नरेन, ऐसा ही हुआ था ना? अब नरेन ने उसकी बात तो सुनी नहीं थी, इसीलिए उसने एकदम से हड़बड़ा कर कहा, हाँ वही तो हुआ था। सुहाना उसकी हामी सुनकर एक बार फिर से लैला से बात करने लगी थी, जबकि नरेन ने अब भी लैला को निहारते हुए खुद से कहा, ये लैला माम को देखकर हर बार ऐसा क्यों महसूस होता है कि जैसे लाली की छाया है। हालांकि कितना कम देखा था उसे, लेकिन फिर भी हर बार इन्हें देखने के बाद मन को ऐसा क्यों लगता है? और आज आज तो बिना किसी मेकअप के बिल्कुल ही लाली जैसी दिख रही हैं। अभी वो सोच ही रहा था कि फिर से सुहाना ने उसकी तरफ देखा और उसे यूं लैला की तरफ टकटकी लगाए हुए देखकर बोली, तुम किस सोच में डूब गए नरेन? क्या नरेन का शक जल्द ही यकीन में बदलने वाला है? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।